गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, लेट्स स्टार्ट अवर हिंदी चैप्टर। ओके स्टार्ट। अच्छा चलो पढ़ते हैं हम लोग अपनी रिमझिम बुक। स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, ठीक है? तो आज आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? 9। चैप्टर 9 का नाम क्या है बताइए बताइए। बंदर और गिलहरी, है ना, जिसको हम लोग रीडिंग करेंगे और सारा फन करेंगे। बंदर और गिलहरी। क्या था? एक बंदर। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ और लंबी थी। कैसी पूंछ है? इतनी लंबी। वाह, देखो बंदर की पूंछ पे क्या कर रहा है गिलहरी, चूहा झूल रही है। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। देखो जमीन पे लटक रही है ना बंदर की पूंछ। देखिए बंदर है, बंदर की पूंछ जमीन पर लटक रही है। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। ये गिलहरी है ना, ये क्या है? स्क्विरल। स्क्विरल मीन्स गिलहरी, मंकी है, ठीक है? तो अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। ठीक, उसने सोचा या झूला कहाँ से आ गया। गिलहरी ने पूंछ को झूला समझा। थोड़ी देर पहले तो नहीं था, वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने देखा, वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, या तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाल पर चढ़ गई। अब चलिए देखिए गप्पे, इसको आप लोगों को बुक में करना है। गप्पे। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल। यहाँ पे सब लोग लिखिए जंगल, लिखा आपने बुक में। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे टंकी, जैसे टंकी, इसको लिखिए टंकी। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे कुतुब मीनार। देखा है ना आपने, कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चींटी। चींटी देखी है आपने घर में, वही चींटी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे दादा की छड़ी। ठीक बेटा, तो जितना मैंने कराया ये सारे वर्ड्स आपको बुक में लिखना है। यहाँ पर जंगल, यहाँ पे टंकी, कुतुब मीनार, चींटी और दादा की छड़ी। नेक्स्ट इसको भी कर लो। कोयल की बोली, कोयल की बोली इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे मिसरी। मिसरी जानते हैं ना क्या होता है? क्या होता है मिस्री? जैसे चीनी होती है, जैसे चीनी से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा होता है, वैसे होता है मिस्री। चीनी की तरह ही होती है, उसी को बोलते हैं मिस्री। अब देखिए नेक्स्ट है गुदगुदी। कहानी में बंदर को क्या हुई? गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो। अब आपके पास दोस्त तो है नहीं, कौन है घर पे? जो है घर पे उसी को गुदगुदी करो, ठीक है? मम्मा होंगी, डैडी होंगे, तो उनके पास गुदगुदी करिए। पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर, ठीक है? यहाँ सब आपको क्या करना है? गुदगुदी करना है। क्या हुआ, क्या हुआ? आप अपने दोस्त को गुदगुदी करते हैं तो क्या होता है? हंसता है ना वो, हंसी आती है भाई। क्या हुआ, आप खुद को गुदगुदी करके देखो।
हम लोग खुद को गुदगुदी कर पाएंगे कभी? कोई खुद को गुदगुदी करके देखो और फिर बताओ क्या होगा, क्या करोगे? अगर आपके पास ये सारी कंडीशंस आएंगी तो आप क्या करोगे, आपको देखना है। चलिए देखिए क्या क्या करना है। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे, करके दिखाओ। रुमाल है अगर आपके पास, तो रुमाल से हम लोग क्या करते हैं, हाथ पोछते हैं, तो रुमाल से हाथ पोछेंगे और खेल खेलेंगे। रुमाल से खेल भी खेला जाता है, ठीक है। रुमाल से हाथ पोछेंगे और खेल खेलेंगे, बुक में नोट करिए। पेंसिल से लिखने का काम होता है, पेंसिल से लिखेंगे और चित्र बनाएंगे। ये दोनों भी आपको बुक में लिखना है, पेंसिल से लिखेंगे और चित्र बनाएंगे, देखकर बुक में लिखिए। और ये क्या है, फूटा। फूटा का काम क्या होता है, लाइन खींचने में। खेत में हम लोग लाइन खींचते हैं ना, इसे नहीं, स्केल है, स्केल। तो स्केल से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में लाइन खींचते हैं। तो फूटा से हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और स्केल से मैम मारते भी हैं बच्चों को, तो स्केल से मारेंगे। मैम ही नहीं, सब लोग भी मारते हैं, एक दूसरे को मारते हो ना। तो रुमाल से हाथ पोछेंगे, खेल खेलेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, फूटा से लाइन खींचेंगे और मारेंगे। आगे देखो, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध भात खाते हो ना, संतरा, केला, इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो, खाते हो तो लिखिए। इनके अलावा मैं रोटी, दाल, सेब, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी आदि खाती हूँ। जो लड़कियाँ हैं वो लिखेंगी खाती हूँ, जो लड़के हैं वो खाता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप इसके अलावा आपको कुछ और भी लिखना हो तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी, आपको पता है गिलहरी क्या खाती है? गिलहरी गाजर खाती है, मूंगफली, आम, सेब आदि खा लेती होगी, ठीक है। गिलहरी क्या क्या खाती है, गाजर, मूंगफली, आम, सेब आदि। बंदर क्या क्या खा लेता है, बंदर तो सब कुछ खा लेता है। बंदर केला, चावल, रोटी, टमाटर, भुट्टा आदि खा लेता है, ठीक। ये चैप्टर आपको, इस पेज को कंप्लीट करिए। अब हम आएंगे इस पेज पर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बहुत सारे यहाँ पर जानवर दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा जानवर उछल कूद करता है और कौन सा उछल कूद नहीं करता है, ठीक। कुत्ते को कभी देखा है आपने उछल कूद करते हुए? खरगोश, चूहा, बिल्ली, गिलहरी और गधा, ये क्या करते हैं, ये एक जगह पर बैठते नहीं हैं, हमेशा क्या करते रहते हैं, उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। वहीं पे गाय, कुत्ता, ऊँट, हाथी और शेर, ये लोग एक जगह बैठते नहीं, ये लोग उछल कूद करते नहीं हैं, ये लोग धीरे धीरे चलते हैं और क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और अपना काम करते हैं, जो भी करते हैं अच्छे से करते हैं, लेकिन उछल कूद नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है पगड़ी, आपको इसे पढ़ना है। आपको क्या करना है, ये वाला वर्क बुक में करना है, ये वाला वर्क बुक में करना है और ये वर्क भी आपको बुक में करना है। इसको आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। ये दोनों उछल कूद करते हैं डाल के, इसको इसको उछल कूद नहीं करते हैं डाल के, इसको इसके नीचे, ये दोनों आप कहाँ पे कर लेंगे, कॉपी में। इसको आप कॉपी में करेंगे और ये आप बुक में करेंगे, ठीक है। इसको बुक में करिए और इसको भी बुक में करिए। ये सारा वर्क आप बुक में करेंगे और मैं जो आपको भेजूँगी आप वो भी कॉपी में करेंगे, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल, बाय बाय ऑल, सी यू।